आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्ले द गेम क्रॉसवर्ड। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्पेशली मेंशन है कि एजेस 8 एंड अप 2 to 4 प्लेयर्स, बट बिलीव मी माय डॉटर इज 7 इयर्स ओल्ड एंड शी इज एंजॉयिंग दिस गेम अ लॉट। बेसिकली इस गेम के थ्रू आप बच्चे की वर्ड पावर को एनहेंस कर सकते हैं, और इस गेम को कैसे खेला जाता है आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से ये गेम पैक्ड है, इसके अंदर आपको एक इस तरीके से बोर्ड मिलेगा जिसमें आप ये गेम को खेलते हैं, और उसके साथ आपको मिलेंगे कुछ ऐसे अल्फाबेट्स, राइट, एंड दीज आर स्कोर बोर्ड्स। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स, और किस तरीके से इसमें स्कोर काउंट किए जाते हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आपको बताती हूँ कि इस गेम को हम कैसे खेलते हैं। मान लीजिए कि आप 2 प्लेयर्स ये गेम खेलना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से स्कोर बोर्ड के ऊपर अल्फाबेट, 7 अल्फाबेट्स हम लेंगे इसमें, और स्कोर बोर्ड के ऊपर अरेंज करेंगे। ये आप चूज नहीं कर सकते हो, जो भी 7 आपके हाथ में आए काउंट करके यहाँ पे लगा लीजिए। देन सिमिलरली दूसरा प्लेयर भी 7 ले लेगा और उनको स्कोर बोर्ड पे एडजस्ट कर लेगा। अब करना क्या है कि फर्स्ट प्लेयर अपनी टर्न चलेगा और कुछ भी कोई भी वर्ड उन्हें बनाना है बाय यूजिंग दीज अल्फाबेट्स। सो जैसे कि हम बनाएंगे NUT नट। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जो मिडल में स्टार है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कई लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि एक अल्फाबेट स्टार के इस साइड से, देन यू, देन टी, बट अगर आप स्टार से भी स्टार्ट करते हैं इट्स कम्प्लीटली फाइन, राइट। तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, जैसे मैंने ये बनाया NUT नट। अब सेकंड प्लेयर की टर्न होगी, तो फॉर एग्जांपल लेट मी चेक कि क्या बनेगा। ओके, लाइक TRAIN, ट्रेन, राइट। सो TRAIN। अब आप देखेंगे कि मैं स्कोर बताना भूल गई। जैसे फर्स्ट प्लेयर के हैं 1 1 1, तो आप चेक करेंगे कि ये सिंपल ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे 1 + 1 2 + 1 3, तो फर्स्ट प्लेयर का पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2 एंड 3, राइट, और ये रहेंगे 0 0 पे, तो 3 पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही सेकंड प्लेयर के 1, अब यहाँ पे डबल लेटर स्कोर लिखा है तो इस लेटर को हम डबल कर देंगे, मान लीजिए 2 टाइम्स कर देंगे, तो 1 का डबल 1 ही रहेगा, 2 टाइम्स 1 1, राइट। यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ओके, देन 1, ये 1 ही रहेगा, 2 3 4 5। सो सेकंड प्लेयर का स्कोर हो गया 5, कुछ इस तरीके से आप मार्क कर देंगे। इसी तरीके से आप आगे आगे वर्ड्स बनाते जाएंगे और अपना स्कोर काउंट करते जाएंगे। अब मान लीजिए आपका स्कोर 14 हो जाता है, तो आप 14 कैसे करेंगे, 14 इज इक्वल्स टू 10 + 4, तो आप करेंगे 1 10 माने 1 × 10, राइट। तो 1 और 1s में 4, यानी कि यूनिट्स में 4 नंबर जो, और टेंस में 1 नंबर, 10 + 4, सो ये आपका डिनोट करेगा 10 को और ये डिनोट करेगा आपका 4 को, तो 10 + 4 = 14। इसी तरीके से अगर 29 हो जाता है मान लीजिए, तो 20 आपका 2 टेंस पे 2 को, और उसके बाद 9 जाएगा 1s में 9 को, सो ये हो जाएगा 29। इसी तरीके से अगर आपका स्कोर हो जाता है मान लीजिए 146, तो 100 + 40 + 6, कुछ इस तरीके से आप मार्क करेंगे। इस गेम के थ्रू बच्चे का मैथ्स, प्लेस वैल्यूज, एडिशन प्लस वर्ड्स, 3 चीज़ों पे वर्क हो रहा है। मुझे पर्सनली ये गेम बहुत पसंद आई और मैं इसे लेकर आई अपनी डॉटर के लिए, वो 7 इयर्स की है, बट इसके ऊपर मेंशन था 8 इयर्स, बट स्टिल वो बहुत एंजॉय कर रही है और बहुत अच्छे से खेल रही है। सो आई होप आपको भी ये गेम बहुत पसंद आएगी।
नेक्स्ट टर्न के लिए जितने भी ब्लॉक्स आपके कम हुए हैं आप उतने ही ब्लॉक्स उठा के स्कोर बोर्ड पे एडजस्ट करेंगे। वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई हूँ, जैसे इस तरीके से आपको ब्लैंक वो भी मिलेंगे चिप्स, तो ये ब्लैंक चिप्स का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ए नहीं है बट आप ट्रेन वर्ड बनाना चाहते हैं और आपके पास एक ब्लैंक है, तो आप इसको ए मान सकते हैं, राइट, कुछ भी मान सकते हैं आप ए। मान लीजिए अगर आपके पास एन नहीं है बट आप स्टिल ट्रेन बनाना चाहते हैं, ब्लैंक बॉक्स एक आपके पास है तो आप एन की जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो जिस भी अल्फाबेट की जगह आप इसको यूज करेंगे उस अल्फाबेट का स्कोर आप यहां से देखेंगे और उसको ऐड करेंगे। अगर आप इसे ए की जगह इस्तेमाल करेंगे तो ए का स्कोर होगा 9, तो इसी तरीके से आप अपने स्कोर बोर्ड में अपना 9 ऐड कर लेंगे। If you are using it on the place of N, तो आप N का स्कोर देखेंगे, N का स्कोर है 6, तो इस तरीके से आप अपने उसमें 6 पॉइंट्स और ऐड कर लेंगे। बहुत सिंपल है ये गेम खेलना, बहुत मज़ा आता है, इनफैक्ट बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत इन्जॉय करते हैं। सो आई होप आपको इसके बाद इस गेम को खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली गेम है, प्लस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप स्कोर जब काउंट करेंगे तो आपका प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी बच्चे का क्लियर करवा रहे हैं, साथ ही साथ एडिशन भी बच्चे की अच्छी होगी और वर्ड्स तो ऑब्वियसली एनहांस, वर्ड पार तो एनहांस होगी ही बच्चे की। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।